तो अभी तक हमने पूरे जो हमारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है इनक्वालिटीज़ के पीछे हम लोग हम लोगों ने उसको काफ़ी डिटेल में कवर किया है हम लोग ने अपने आप को सिर्फ लिमिट नहीं किया लिनियर इनक्वालीज़ तक जबकि हम लोग ने आगे की भी बात की क्वाल्टिक <coughs> इनक्वालीज़ हो गया मॉडल्स हो गया और किस तरीके से हम लोग डिफरेंट तरीके के इनक्वाल्टीज़ आगे भी आएंगे उसके बारे में भी समझा हमने कि इनक्वालीज़ का जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा है लेकिन आ, जो जो सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस ब्रीफली मैं तीन सवाल यहाँ डिस्कस करूँगा जो कुछ एडवांस लेवल के भी हैं और जो कुछ आप बोर्ड लेवल पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो तीन सवाल पहले हम लोग एक बार समराइज़ कर लेते हैं जिसमें कंसेप्ट जो हमने समझे हैं उसका यूज़ होगा और फिर अल्टीमेटली विल समराइज आ होल जर्नी तो देखते हैं पहला सवाल <coughs> पहला सवाल है अ मैन्युफैक्चर हैज सिक्स हंड्रेड लीटर्स ऑफ ट्वेल्व परसेंट एसिड सोल्यूशन हाउ मनी लिटर्स ऑफ थर्टी परसेंट एसीड सोल्यूशन भी एडिड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल भी मोर दैन फिफ्टीन परसेंट बट लेस दैन एटीन परसेंट तो अब यहाँ पे जैसे आप लोगों ने रेशियो प्रपोशन में भी हम लोग इस तरह के सवाल सॉल्व किए हैं जहाँ पे इस तरह का सवाल रहता था कितना परसेंट सॉल्व करना है कितना हमारा कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा तो वहाँ पे हमेशा हम इक्वलिटी का साइन बोलते थे अगर ये सवाल होता कि हाउ मच थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन बी एडेड सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी फिफ्टीन परसेंट तो इस तरह के सवाल हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे बस इनटीज़ में क्या हो गया ये यह कि यहाँ पे एक तरह से ह्यूमन एरर का भी मार्जिन लिया जाता है कि हाँ इतना हो कि फिफ्टीन से ज़्यादा हो पर एटीन से कम होना चाहिए अब इसको लेके हम जो सॉल्व करेंगे वो हमारा इनक्वालीज़ फॉर्म करेगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका देखते हैं है अनुमानुफैक्चर है 600 हंड्रेड लीटर्स और ट्वेल्व हंड्रेड ट्वेल्व परसेंट एसिड सोल्यूशन तो जो हमारा यहाँ पे हर टर्म हम एसिड में ही बात कर रहे हैं तो बेटर होगा कि हम हमेशा सबको एसिड के क्वांटिटी के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लें तो हाउ मेनी लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन बी एडेड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन फिफ्टीन प्लस लेस देन बट लेस देन एटीन तो से एक्स लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट एसिड सोल्यूशन इज एडेड इज एडेड ज एडेड टू इनिशियल मिक्सचर ऑफ सिक्स हंड्रेड लीटर्स ऑफ ट्वेल्व परसेंट सोल्यूशन तो आप हमेशा यह पूरा लाइन लिखने की कोशिश करें जिसमें आपको आगे कंफ्यूजन नहीं हो कि थर्टी परसेंट ऐसी सोल्यूशन जिसका एक्स लीटर्स है आपने किसमें सॉल so एड किया जो इनिशियल सिक्स हंड्रेड लीटर्स था तो जैसे ही आप ये पूरा लाइन लिखेंगे कि से सिक्स एक्स लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट सोल्यूशन इज एडिड टू इनिशियल मिक्सचर ऑफ सिक्स हंड्रेड लीटर्स ऑफ ट्वेल्व परसेंट सोल्यूशन तो यू इमीडिएटली नो दैट योर फाइनल सोल्यूशन द टोटल वॉल्यूम ऑफ योर फाइनल सोल्यूशन इज एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड क्योंकि यहीं पे मिस्टेक होता है आदमी एड करता है लेकिन जो फाइनल सोल्यूशन का आप जो वैल्यू uh, निकालोगे या जो क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द फाइनल सोल्यूशन रहेगा उसमें जनरली आदमी मिक्स कर देता है याद आदमी उसमें सिर्फ एक्स लिख देगा तो आपका सोल्यूशन इनकरेक्ट हो जाएगा तो जो आपका फाइनल सोल्यूशन है वहां पर दैट इज एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड सो दैट इज एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड लीटर्स तो अब ये बोल रहा हैज अ फाइनल जो उसका होना चाहिए वो फिफ्टीन परसेंट होना चाहिए इससे ज्यादा और एटीन परसेंट से कम तो जो फाइनल सोल्यूशन बना फाइनल सोल्यूशन का क्या वॉल्यूम है वॉल्यूम ऑफ फाइनल सोल्यूशन ज x प्लस 600 हंड्रेड लीटर्स अब इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 15 परसेंट से ज्यादा या तीन परसेंट से कम तो स्ट्रेंथ का क्या मतलब है उसमें कितना एसिड है तो हम ये निकाल लेते हैं कि इस कंडीशन के लिए इसमें कितना एसिड होना चाहिए <coughs> और इसके लिखने के पहले हम पहले ये हम लिख लेते हैं कि जैसे कि हमारा इनिशियल जो एसिड था इनिशियल सोल्यूशन में वो क्या था सिक्स हंड्रेड लीटर्स का ट्वेल्व परसेंट तो सिक्स हंड्रेड परसेंट सिक्स हंड्रेड लीटर्स का ट्वेल्व परसेंट इतना लीटर इतना जो क्वांटिटी है वो हमारा एसिड था इनिशियल सॉल्यूशन में इसमें हमने क्या किया एक्स लीटर्स ऑफ थर्टी परसेंट सोल्यूशन एड किया तो थर्टी परसेंट सोल्यूशन मतलब जो x लीटर्स है उसका 30% परसेंट एसिड है मतलब हम लोगों ने तो ज्यादा कंसनट्रेशन का एसिड उसमें ऐड कर दिया तो ये मेरा फाइनल एसिड का कंटेंट आ गया क्योंकि हमने मान लिया है कि x मैंने ऐड किया 30% परसेंट सोल्यूशन का इनिशियली हमारा 600 हंड्रेड लीटर्स था जिसका 12% परसेंट्रेट कंसनट्रेशन था तो इतना मेरा एसिड का जो वैल्यू है जो लीटर्स है वो मेरा तैयार हो गया जब मैंने एक्स ऐड किया अब इसके लिए सवाल में बोला जा रहा है कि ये लेस देन होना चाहिए 18 परसेंट मतलब 18 बाई हंड्रेड ऑफ 18 परसेंट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है कितना है x प्लस सिक्स हंड्रेड लीटर्स है x प्लस सिक्स हंड्रेड लेकिन ये ज्यादा होना चाहिए पंद्रह परसेंट से दैट इज फिफ्टीन बाई हंड्रेड इंटू एक्स प्लस सिक्स हंड्रेड तो ये हमारा आप देख सकते हैं जो इनिक्वालिटी है वो हमारा आ गया जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तो इसको आप दो सेट में सॉल्व करें फर्स्ट आप कोई भी मान सकते हैं जब आप इसको ट्राई करें सॉल्व करने के या इसको ट्राई करने तो पहले हम इसमें से किसी एक को सॉल्व करते हैं से इसको सॉल्व किया जाता है ये हमारा वैल्यू आ जाएगा आप देख सकते हैं से इस इस पार्ट को मैं इसको जब आप लिखें तो आप अच्छे से इसको कैटेगराइज करके लिखें कि कंसिडरिंग द केस वेन द कंसनट्रेशन ऑफ द फाइनल सोल्यूशन इज़ ग्रेटर दैन द ग्रेटर दैन फिफ्टीन परसेंट ऑफ द फाइनल सोल्यूशन तो इस केस में मैं इस इनक्वालिटी को कंसिडर करता हूँ तो ये हमारा हो जाएगा सिक्स हंड्रेड ट्वेल्व बाई हंड्रेड प्लस थर्टी एक्स बाई हंड्रेड इज ग्रेटर देन 15 बाई हंड्रेड एक्स प्लस 600 हंड्रेड 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 मैं हटा सकता हूँ तो ये 1267200 सिक्स प्लस थर्टी एक्स इज ग्रेटर देन फिफ्टीन एक्स प्लस नाइन और फिर 15x इज़ ग्रेटर देन टू और हमारा फाइनली x का वैल्यू हो जाएगा 1 15 30 20 तो ये मेरा आ रहा है कि जो नया सॉल्यूशन जो हम ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी मोर देन 120 लीटर लीटर्स क्योंकि वो सिर्फ इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जिसमें बोला जा रहा है जिसका जो फाइनल सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ हो हमारा वो पंद्रह परसेंट से ज़्यादा होना चाहिए इसका मतलब जो नया सोल्यू solu, नया सोल्यूशन जो हम लोग ऐड करेंगे वो एटलीस्ट वन ट्वेंटी लीटर से तो ज़्यादा होना चाहिए सिमिलरली जब हम ये इसको सॉल्व करेंगे इस कंडीशन को जब इस कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे अगेन यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन है हंड्रेड 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 हट जाएगा ट्वेल्व इंटू ये सेवेंटी टू हंड्रेड प्लस थर्टी एक्स इज लेस देन एटीन एक्स प्लस वन ज़ीरो एट ज़ीरो ज़ीरो या ट्वेल्व एक्स इज लेस देन थर्टी सिक्स हंड्रेड या एक्स इज लेस देन थ्री हंड्रेड तो जो पहला इनक्वालिटी उससे हमारा आया x शुड बी ग्रेटर देन 120 दूसरे से आया x शुड बी लेस देन 300 हंड्रेड दे फोर द सोल्यूशन इज x इज ग्रेटर देन 120 और लेस देन 300 अब यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारा और कोई इंपोज कंडीशन नहीं है क्योंकि हम एक सोल्यूशन की बात कर रहे हैं और सोल्यूशन एक कंटिन्यूस वैल्यू uh, में आप ऐड किया सकता है ऐसा नहीं है कि आदमी सिर्फ एक लीटर या दो लीटर आप वन लीटर वन लीटर तो ये मेरा सोल्यूशन सेट है जहाँ पे जो X लीटर्स है 30% थर्टी परसेंट सोल्यूशन का वो आप 120 लीटर से लेकर 300 लीटर तक अगर आप डालें तो आपका जो फाइनल सोल्यूशन uh, बन के आएगा उसका स्ट्रेंथ 15% परसेंट से तो ज़्यादा होगा लेकिन 18% परसेंट से कम होगा ये रहा हमारा सोल्यूशन तो समझना यहाँ पे ये यह जरूरी है कि आप जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे आपको और भी सवाल आ सकते हैं वर्क टाइम से रिलेटेड या स्पीड से रिलेटेड कि आप कितना डिस्टेंस स्पीड से चलें ताकि आप कम से कम इतना डिस्टेंस कवर कर लें या कम से कम इतने समय में आप इतना डिस्टेंस कवर करें तो इस तरीके के सवाल आपको ऑब्वियस एक्सटेंशन मिलेगा जो आप इनक्वालिटीज़ का साइन यूज़ करके सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे हम तो ये, ये इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड लेवल पर और अगेन ये थोड़ा प्रैक्टिस का है आप इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगे जिसे आप सॉल्व uh, करेंगे तो आपका स्पीड इम्प्रूव होगा अब मैं थोड़ा और एडवांस टॉपिक जो हम लोग ने डिस्कस किया था जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इनक्वालिटीज़ uh, में ही uh, उसका एक एक्सटेंशन uh, हम लोग देखते हैं तो हम लोग ने देखा था जब हम लोग ने मॉडल फंक्शन में बात किया था तो हम लोगों ने उस वक्त प्रॉब्लम डिस्कस किया था जैसे मॉड एक्स माइनस से मॉड एक्स माइनस टू इज़ ग्रेटर देन थ्री इसका मैंने मतलब बताया था कि एक एक, 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 एक ऐसा एक्स पॉइंट आपको निकालना होगा इस इनिक्वालिटी का मतलब ये है जिसका दो जो दो पॉइंट है इस नंबर लाइन पे उससे डिस्टेंस तीन यूनिट से ज़्यादा होना चाहिए तो हमने इस तरह के प्रॉब्लम डिस्कस किए थे लेकिन मान लीजिए आपका प्रॉब्लम ऐसा है कुछ जहाँ इनकोलिटी के बोथ साइड आर एच एस साइड और एल एच एस साइड दोनों साइड मॉडलस है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन मॉड एक्स माइनस टू तो यहाँ पे देखना है आपको आपकी समझ यहाँ ये यह होनी चाहिए कि मॉडलस का मतलब होता है डिस्टेंस तो अगर मैं इसको लिखूँ मॉड x माइनस जीरो इज ग्रेटर दैन मॉड x माइनस टू मीन्स अब अब इसको मैं इसी कंसेप्ट से समझने की कोशिश करता हूँ x एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसका डिस्टेंस ज़ीरो से और टू से जब मैं कंपेयर करूँ तो वो ज़ीरो से ज़्यादा नज़दीक हो रैदर दैन टू इसको ऐसे समझने की कोशिश करें आप मान लीजिए कोई नंबर लाइन है यहाँ पे कोई पॉइंट है वन टू थ्री सॉरी जीरो वन टू थ्री अब यहां पे कोई वैल्यू ला, लाई करता है एक्स से टू पॉइंट फाइव अब 2.5 के इधर जो पॉइंट्स लाई करेंगे वो ऑफकोर्स तीन से ज्यादा नजदीक हो जाएगा और दो से ज्यादा दूर हो जाएगा सिमिलरली अगर कोई 2.5 से इधर लाई कर रहा है तो वो दो से ज्यादा नजदीक हो जाएगा तीन से ज्यादा दूरी पे हो जाएगा तो जब भी हम ज्यादा दो पॉइंट्स के बीच में दूरी कंपेयर करते हैं तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है मिड पॉइंट क्योंकि मिड पॉइंट से ही जो अगर आप राइट साइड ज्यादा चले गए तो आप उस कॉरिस्पॉन्डिंग पॉइंट के नजदीक हो गए और दूसरे पॉइंट से दूर हो गए तो जब भी मैं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि फर्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट इज द मिड पॉइंट क्योंकि मिड पॉइंट ही डिसाइड करेगा मिड पॉइंट पर जब खड़ा है तो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो गया हल्का सा लेफ्ट हुआ तो वो इस पॉइंट के नजदीक हो गया ज़्यादा इस पॉइंट से दूर हो गया वापस मिड पॉइंट पे सेम डिस्टेंस अगर वो इस तरफ मूव कर रहा है तो इस पॉइंट से ज़्यादा नज़दीक हो गया इस पॉइंट से दूर हो गया तो यही सेम कंसेप्ट है यहाँ पे जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मॉड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स माइनस टू मॉड एक्स को मैंने मॉड एक्स माइनस ज़ीरो लिखा तो इसका मतलब एक्स एक ऐसा पॉइंट सेट ऑफ पॉइंट है जो जीरो से ज़्यादा डिस्टेंस पे है मतलब टू से ज़्यादा क्लोज है अब इसको कैसे हम नंबर लाइन पे बना सकते हैं ऑफ कोर्स पे मैंने जीरो मार्क कर लिया टू मार्क कर लिया और दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का कंपैरिजन है तो हमें इसका मिड पॉइंट पहले मार्क uh, करना होगा मिड पॉइंट सिंपल है जीरो प्लस टू बाई टू वन अफकोर्स ये मेरा वन है अब आप देखें यहां पे अगर को आप कोई भी पॉइंट कंसिडर करें ये ये पॉइंट किस से ज्यादा नजदीक है टू से ज्यादा नजदीक है टू से ये डिस्टेंस है इसका और जीरो से ज्यादा दूरी पे है सिमिलरली अगर वन के इधर कोई मैं पॉइंट लेता हूं तो वो जीरो से ज्यादा नजदीक है टू से ज्यादा दूर हो गया तो हमें देखना है कि हमारा कंडीशन क्या है हमारा कंडीशन बोल रहा है मॉड एक्स माइनस जीरो इज ग्रेटर इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू मतलब एक्स का डिस्टेंस जीरो से ज्यादा होना चाहिए मतलब वो दो के तरफ होना चाहिए ज्यादा मीन्स ये इधर के जो सारे पॉइंट्स हैं वो है हमारे सॉल्यूशन मतलब x इज ग्रेटर टू वन ये हमारा स्ट्रेट सॉल्यूशन आ गया क्यों क्योंकि मिड पॉइंट से इधर जो भी पॉइंट्स लाई करेंगे कोर्स आप इधर का कोई पॉइंट कर लो यहां पे मान लो थ्री है अगर आप थ्री देख रहे हो तो थ्री का डिस्टेंस जो ज़ीरो से है वो कम यहाँ तीन यूनिट है और दो से है वो एक यूनिट है तो ऑटोमेटिकली मेरा ये इक्वेशन सेटिसफाई हो गया क्योंकि वो दो से नज़दीक है लेकिन ज़ीरो से दूर है तो ये जो मेरा सोल्यूशन सेट आया जो आपने स्ट्रेट अवे ये समझ करके नंबर लाइन पे कि जब मॉडुलर फंक्शन है तो उसका मतलब वो डिस्टेंस दिखाता है और आप उसे इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ईजिली इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं जो एल्जब्रिक हमारा कंसेप्ट है वो है Uh, जैसे मैं ये सवाल है <coughs> अभी एक चीज़ मैंने ये बोला था कि इनक्वलिटीज़ को आप स्क्वायर करने के पहले दो बार सोचें कि अगर आपका इनक्वलिटी के आर और एल दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव हैं तो आप यू कैन प्रोसीड बाई स्क्वायरिंग आपका इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा तो अगेन यहाँ पर यह प्रॉपर्टी काम आएगा मेरा एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड में है मॉड एक्स अगेन मॉडल्स हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है राइट हैंड साइड में भी मॉडल है मॉडल टू मतलब इसका भी जो फाइनल वैल्यू आने वाला है दैट विल ऑलवेज पॉजिटिव आपका भीक्वाली का लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू पॉजिटिव है और राइट हैंड साइड का भी वैल्यू पॉजिटिव है तो जब दोनों वैल्यूज आर एच एस में पॉजिटिव है तो आप उसको स्क्वायर कर सकते हैं आपका इनक्वलिटी का साइन इंटैक्ट रहेगा तो बाई स्क्वायरिंग और यहां पे आप जब एल्जैब्रिकली इसको सॉल्व करें तो ऑफ कोर्स आप लिखें जो आप जानते हैं जैसे कि आप लिखें Squaring, since both the LHS, both LHS, RHS, is greater than equal to zero, so by squaring, inequality, inequality, sign will hold true. जब मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा मॉड एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर दिन इक्वल टू एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मॉड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो मेरा अंदर फंक्शन है उसके स्क्वायर के बराबर हो जाता है मीन्स मॉड एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर मॉड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस इसको सॉल्व कर लें एक्स स्क्वायर ग्रेटर एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स x, 4x greater than equal to 4, x is greater than equal to 1. ये सेम सॉल्यूशन है जो हमारा यहाँ पे आया था ग्राफिकली सॉल्व करके तो आप अल्जेब्रिकली भी सॉल्व कर सकते हैं आ, आ, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें यहाँ पे आपने स्क्वायर इसलिए कर पाया और सॉल्यूशन इतना आसान से इसलिए आ गया क्योंकि आपका बोथ एल एच एस एंड आर एच एस जो है मेरा पॉजिटिव था इसलिए आप स्क्वायर कर पाए जैसा हम लोग ने उस प्रॉब्लम में डिस्कस किया था जहाँ पे प्रॉब्लम था रूट एक्स प्लस टू इज ग्रेटर दैन एक्स तो उस केस में हम हम एक जो इनिशियल प्रॉब्लम था जो हम लोग ने करीब दो स्लाइड्स पहले देखा था कि जब आपको कन्फ्यूजन हो कि आपका आर एच एस या आर एच एस निगेटिव है तो आप उसको स्क्वायर करने के पहले हमेशा उसका वैल्यूज लिख लें और लास्ट में क्रॉस चेक करें कि स्टिल दैट सेटिसफाई द इक्वेशन और नॉट तो ये हमारा दूसरा प्रॉब्लम था अब एक एक और प्रॉब्लम एक जो एक, एक तरह के स्मार्ट क्वेश्चन है जो आपको अनकन्वेंशनल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ, आपको मोटिवेट करेगा क्योंकि ये अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशंस के लिए जाएं अगर इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप फंस सकते हैं <coughs> तो देखते हैं लेट्स ट्राई क्या सवाल है सवाल है रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स माइनस फाइव इज ग्रेटर टू रूट फाइव माइनस एक्स सॉल्व दिस इनक्वलिटी तो ये एक ऐसा इनक्वालिटी है एक चीज जैसे मैं देखता हूँ जैसे हम लोग ने कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर आपका एल एच एस एंड आर एच एस दोनों पॉजिटिव है तो आप उसको स्क्वायर कर सकते हो इन इक्वाली का साइन सेम रहेगा तो देखते हैं ये कंसेप्ट यहाँ पे हो रहा है हाँ हो रहा है क्योंकि हमारा रूट है रूट का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है ठीक है रूट इज ऑलवेज दिस इज ऑलवेज गेटर एन इक्वल टू जीरो अंदर आप कुछ भी वैल्यू डालो अंदर कुछ भी वैल्यू मतलब आपको अंदर सिर्फ नॉन निगेटिव वैल्यू ही डाल सकते हो तभी वो डिफाइंड होगा तो वी नो दैट दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज भी ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज भी ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो एंड दिस एक्सप्रेशन विल ऑलवेज ग्रेटर गेटर इक्वल टू जीरो मीन्स मेरा एल एच एस एंड आर एच एस इज ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो सो वी कैन स्क्वायर इट तो मतलब अगर कोई देखे कि हाँ ये कंडीशन तो हो गया मैं स्क्वायर कर सकता हूँ लेकिन इसको स्क्वायर करने का हिम्मत नहीं होगा आप इसको आप स्क्वायर भी अगर करो तो दिस स्क्वायर विल बी एक्स प्लस टू स्क्वायर विल बी एक्स माइनस प्लस टू ए बी का जो साइन होगा टू अंडर रूट एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव उसको फिर क्या करोगे आप उसको क्या फिर एल एच एस आर एच एस में ले जाकर उसको वापस स्क्वायर करना पड़ेगा अगर उसको वापस हम स्क्वायर करते हैं तो वो टू द पावर फोर में चला जाएगा हमारा ये पूरा इनइक्वालिटी तो इस तरह के सवाल मेन है कि अगर आप एक पहले जरूरी है कि जब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन लेंथी होता जा रहा है तो आप एक अनकन्वेंशनल अप्रोच जरूर रखें तो अनकन्वेंशनल uh, अप्रोच रखने के लिए जरूरी है दो तीन ही चीज जरूरी है जैसा मैंने बताया कि आप देख लो कि हाँ आर एच एस आर एच एस अपना पॉजिटिव है या नहीं पॉजिटिव है तो स्क्वायर कर सकते हो या और कोई इम्पोज कंडीशन है या नहीं इंपोज कंडीशन जैसा हम हम लोग ने पहले डिस्कस किया था कि ये कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो वो डिफाइन होना चाहिए वो दैट मस्ट बी वैलिड तो वैलिड करने के लिए जो कंडीशंस होते हैं वो हम उसे मैंने नाम हमने नाम दिया इंपोज कंडीशन उसको पहले आप लिख लो और उससे देखो क्या उससे उस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई किया सकता है जैसे एक एक, एक उसको पहले मैं लिखता हूँ सिंपल रूट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन सवाल हम लोगों ने पहले देखा था रूट ग्रेटर माइनस वन तो हमें यह तो पता है कि रूट एक्स हमेशा पॉजिटिव होने वाला है तो एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए यह मेरा पॉजिटिव होगा माइनस वन से बड़ा होगा लेकिन स्टिल एक्स हैज टू बी ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्स अगर ग्रेटर एन इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो हमारा जो एल साइड है वो डिफाइन नहीं होगा तो ये कंडीशन आपको हमेशा ध्यान में रखना है तो मैं सिमिलरली यहां के कंडीशंस में लिखता हूं इसको डिफाइन होने के लिए क्या कंडीशन है कंडीशन x plus 2 should be greater than or equal to 0 that is x is greater than or equal to minus 2 x minus 5 इस एक्सप्रेशन के लिए x minus 5 should be greater than or equal to 0 that is x should be greater than or equal to 5 और तीसरा है 5 minus x should be greater than or equal to 0 that is x should be less than or equal to 5 ये मेरा तीन कंडीशन है तो ये तीनों कंडीशन जब साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होगा तभी मेरा ये जो इनिकवालिटी है इट विल मेक सेंस इट विल होल्ड वैलिड तो हम लोग देखते हैं कि ये हमारा इंटरवल क्या है एक्स का जो इससे निकल के आ रहा है क्योंकि ये तीनों को एक साथ जो ओवरलैप करता हुआ रीजन होगा वही होगा हमारा एक्स का पॉसिबल वैल्यूज तो माइनस टू फाइव पहला कंडीशन के हिसाब से एक्स शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू माइनस टू ग्रेटर एन इक्वल टू माइनस टू मीन्स ये पॉइंट भी कंसिडर होगा इसलिए मैंने इसको डार्क सर्कल किया और ये इधर इधर के सारे वैल्यूज ये दिखाता है <coughs> दूसरा है एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव यह सारे वैल्यूज दिखाता है इधर के और तीसरा वैल्यू है हमारा एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू फाइव तो मैं ब्लैक से दिखा देता हूँ वापस x शुड बी लेस देन इक्वल टू फाइव मीन्स लेफ्ट साइड में जो जा रहा है तो अब x का ऐसा वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई कर रहा हो सिर्फ उसी वैल्यूज के लिए मेरा ये इन जो है वो होल्ड करेगा लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आप देख सकते हो कि तीनों ओवरलैप सिर्फ इस पॉइंट पे ही कर रहा है क्योंकि यहाँ का वैल्यू है एक्स गेट दैन इक्वल टू फाइव मतलब फाइव या फाइव से ज्यादा ये है एक्स लेस देन इक्वल टू फाइव फाइव या लेस देन ज़्यादा और ये पॉइंट इस पर भी लाई कर रहा है क्योंकि वो रेड लाइन वहाँ से क्रॉस कर रहा है तो मीन्स मेरा एक्स इजल टू फाइव ही एकमात्र वो वैल्यू है जहां पे मेरा ये इन वैलिड हो अभी तक मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है लेकिन मैं बस यही एक्स है वैल्यूज देख रहा हूँ कि किस वैल्यू किस इंटरवल के लिए एक्स के लिए वैलिड हो सकता था लेकिन इंटरवल ना मिल करके एक ऐसा यूनिक कंडीशन मुझे मिल गया कि एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू है जिसके लिए दिस इन विल होल्ड ट्रू तो अब मुझे अब इसे सोल्यूशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आप स्टेट में यही आपका सोल्यूशन है क्योंकि आपका सिर्फ एक एक सिंगल सॉल्यूशन आ रहा है एक सिंगल है पॉसिबल वैल्यू है एक्स का जिसके लिए दिस इनक्वालिटी विल होल्ड ट्रू एंड दिस इन विल रिमेन वैलिड एज वेल तो दो चीज हो गई आप किसी भी इनइक्वालिटी देखें तो पहला है इक्वलिटी को सॉल्व करते वक्त आप जरूर देखें कि क्या वैल्यूज ऑफ एक्स है जिसके लिए आपका इन का जो एक्सप्रेशन है दैट शुड ऑलवेज रिमेन वैलिड उसके लिए आप अंडर uh, रूट अगर कोई है तो उसको आप ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो कर लें या कोई वैल्यू ऐसा है अगर डिनोमिनेटर में आपका फंक्शन है एक्स का तो एक्स माइनस फाइव शुड बी ग्रेटर देन जीरो आई मीन सॉरी दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि ये नेगेटिव हो सकता है तो ये कंडीशंस आप खुद पे खुद आप समझते जाएंगे देखते जाएंगे और इन को रिड्यूस करने में बहुत काम आता है कि आप पहले देख लें कि वो वैलिड है या नहीं है और किस रेंज uh, के लिए वैलिड है और अगर आप uh, दूसरा है कि आप देख लें कि पॉजिटिव है या नहीं है आप उसे स्क्वायर कर सकते हैं या अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो आपका एक्स्ट्रा लूट जो है कुछ लॉस हो सकता है उसके लिए आप अगेन जो इनिशियल कंडीशन होगा उससे आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कहीं आप कोई लॉस तो नहीं कर रहे हैं तो वो इस तरह के सवाल जो ट्रिकी होते हैं आपको अगेन मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और मोर और लेस इनवाल्टीज इतना ही है जितना हम लोग ने डिस्कस किया और ज़्यादा भी हमने डिस्कस किया और जो इनक्वाल्टीज़ का आगे का वेरिएशन है जो लॉग्राथमिक इनवाल्टीज़ है या ट्रिग्नोमेट्रिक इनक्वालिटीज़ है वो रेस्पेक्टिव चैप्टर्स में डेल्ट डील uh, किया जाएगा तो ये हमारा प्रॉब्लम था और ये हमारा कंसेप्ट था